क्वेश्चन है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है ऑफ रेडियस आर, हैज चार्ज कैपिटल क्यू. तो एक रिंग का चार्ज क्यू है, रेडियस आर है. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग चेंजेस एट अ रेट ऑफ डी बी बाई डी टी. तो ये रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ऐसे, और चेंज हो रहा है. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, टेंजेंशियल. तो क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, तो इस पर फोर्स लगेगी क्यूई, क्यूई. तो क्यूई फोर्स लगेगी, कह रहे टॉर्क इसमें कितना जनरेट होगा. तो जब फोर्स क्यूई लगेगी तो ये क्या करेगा, ये रिंग घूमेगी, ये रिंग घूमेगी, टॉर्क जनरेट होगा. तो इसमें सबसे पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका था कि ई इंड्यूस्ड इंटू टू पाई आर है ना, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू एरिया इंटू डी वी बाई डी टी. एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर रिंग का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. रिंग का रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस टू पाई आर. मैग्नेटिक फील्ड रिंग के अंदर कितना चेंज हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया में. तो यहाँ से सॉल्व करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. अब फोर्स क्या लगेगी रिंग के चार्ज के ऊपर, क्यू इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स की वैल्यू आ गई. टॉर्क क्या लगेगा, आर इंटू एफ, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी. तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम आ सकती हैं. उसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन है एक, ये वाला टॉर्क बेस्ड है ये भी. देखो क्या क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिंग है, इस बार रिंग दो दीवारें और एक फ्लोर के बीच में है. अब इसमें वो कह रहे हैं जो वॉल्स हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर पे फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर रिंग के, जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू को, डी वी बाई डी टी के टी, टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. तो इसमें क्यू चार्ज है रिंग के ऊपर, तो इसमें भी टॉर्क जनरेट होगा, ये रिंग घूमेगी. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ फ्रिक्शन तीनों में ना होती तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट हुआ उसी टाइम इसने घूमना शुरू कर देना था. प्रॉब्लम है यहाँ पर फ्रिक्शन, तो थोड़ा टाइम लेगी घूमने में, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पहले टाइम के साथ बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा और बी बढ़ेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा जनरेट होगा, फोर्स और बढ़ेगी, टॉर्क और बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्रिक्शन ये ओवरकम करेगा. फ्रिक्शन हेल्प भी करेगा नो डाउट इसमें घूमने के लिए, पर इमीडिएटली नहीं घूमेगा. तो कितने टाइम के बाद घूमेगा वो समय बताओ. पहले टॉर्क लगेगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक, पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगेन ई इंटू टू पाई आर इज पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी. बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेना कितना, के टी, डी वी बाई डी टी को के टी, इसकी जगह के टी, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. के की वैल्यू इस क्वेश्चन में मान के बने, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई. तो टॉर्क कितना जनरेट होगा, आर इंटू क्यू इंटू ई, ये टॉर्क जनरेट होगा आपके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. अब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, फ्रिक्शन क्या कर रही है, देखो जो फ्रिक्शन है वो हेल्प करेगी रोटेशन में नो डाउट. तो फ्रिक्शन जो है वो इसके अंदर किसके इक्वल है, फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इंटू आर, आर इंटू एफ, ये रहा. तो जब आपका अप्लाइड टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो ये रिंग घूमनी स्टार्ट हो जाएगी. तो टाइम की वैल्यू भी इसके बोला जाएगी, क्योंकि शुरू में टाइम जब कम होगा, टी इक्वल टू 0.001 जब रिंग्स जब स्टार्ट ही हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी सफिशिएंट या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंट नहीं था कि इतना टॉर्क जनरेट कर सके जो इसको रोटेशन के लिए चाहिए. और रोटेशन के लिए कितना टॉर्क चाहिए, इतना टॉर्क चाहिए. तो ये टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, ये करेगा जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा. टाइम के साथ ये टॉर्क बढ़ रहा है, कभी ना कभी फ्रिक्शन के टॉर्क के इक्वल होगा तो टाइम की वैल्यू आएगी. मिलता जुलता क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, नॉन मेडिकल ओनली, ये सब नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए बहुत रेयर चांस है, फिर भी हम कर रहे हैं ताकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर कुछ आ भी जाए मेडिकल या नॉन मेडिकल में, एटलीस्ट उनको पता हो कि क्या करना है. और इस टाइप की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम है, रेयर आती हैं.
ये तीन चार प्रॉब्लम एडवांस की ही प्रॉब्लम है वैसे बता दूं, पर अगर किसी ने ये पढ़ के क्वेश्चन छोटा बना दिया फिर क्या करोगे? एटलीस्ट इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि करना क्या है। तो इसके अंदर एक चार्ज है क्यू, एक क्यू चार्ज है ऑफ चार्ज और मास एम है, लाइंग इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और यहां पर पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड बी है इसमें, और फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज इफ मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ। जैसे आप ऑफ कर देंगे बी चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होते ही ये चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा क्यू ई, और ये मूव करेगा विद सम वेलोसिटी ऑफ वी। पहले रेस्ट पे था फिर वी के साथ मूव करेगा। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ चार्ज क्या रहेगी। तो एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना वो जनरेट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये कैपिटल आर रेडियस का ये सर बनेगा सर्कल, तो ई इंटू टू पाई कैपिटल आर। इस एरिया क्या लेना है, इंपॉर्टेंट है एरिया लेना है जितना आपने सर्कल बनाया गोल क्लोज्ड पाथ जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का एरिया। उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू टीवी बाई टीटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, उस पॉइंट चार्ज पे फोर्स की वैल्यू आ गई। अब डी बी एक तरफ रखो, डी टी एक तरफ रखो, आपको इस क्वेश्चन में बी बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर बी बताना है तो इस केस में क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड पहले बी था अब जीरो हो गया, टाइम जीरो से टी हो गया, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, ये टर्म आएगी, ये जीरो माइनस बी का मैग्नीट्यूड टू बाई क्यू आर। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स, वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, पहले मोमेंटम क्या था, जीरो रेस्ट पे था, अब वी वेलोसिटी हो गई तो एम वी। यहां से अगर वी पूछा है तो वी निकाल देना, बी पूछा है तो, वैसे वी पूछा है इसमें ये गलत लिखा हुआ है, तो यहां से वी की जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी।